ये ना कई मंजिला हवेली है, उतला तो उड़ता गया, थड़ा जमीन दे विच है। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर तो बाद ये जिहड़ी ब्यूटीफिकेशन का बहाना ला के इसका गलियारा स्कीम बनाई, जिहदे विच इन्होंने सारियां बिल्डिंगां ढोईआं। तो आ बिल्डिंग उन्होंने एक सी जिहदे च उन्होंने 45,000 रुपया एक मुआवजा दिता। 45,000 का मुआवजा दिता गया। श्रोमणी कमेटी दसे भी किहड़े किहड़े अपने घर ये अपने मुलाजमान के घर 45,000 के मुआवजे नाल देने नूं तैयार है, तो उन्होंने ढुआन नूं तैयार है। कब्जा लैण तों बाद पंजाब विच अमृतसर का जिहड़ा वर्ल्ड सिटी आ उहदा इन्होंने सब तो पहला नक्शा बनाया, जिहड़ा उहदे विच इन्हां ने मुंगा जिहड़ा ज्ञानिया हाईलाइट किया, जिवें फोटो तुसीं देख सकदे हो। दरबार साहब आ गया इत्थे, नाल अकाल तख्त साहब दिख रहा, यह थड़ा साहब आ गया, यह मुंगा ज्ञानी आ। हरिमंदर साहब तो आस पास का इलाका, जां कहो पूरी अमृतसर गुरु नगरी होने करके इन्नी पुरानी है, कितों ही पट लो कुछ ना कुछ तो जरूर निकलूगा। बीते दिनों श्री हरिमंदर साहब के कोल जोड़ा घर बनाने लिए जिहड़ा खुदाई की जा रही थी, जिस दौरान खुदाई के वक्त ही जिहड़ा वा एक सुरंग मिली सी, जिहड़े कई विद्वान सीगे सिख विद्वान उसनों जिहड़ा सुरंग का नाम दे रहे थे, कई विद्वान जिहड़े सीगे इमारत का नाम दे रहे थे। साडे नाल इस वक्त ने डॉक्टर अनुराग सिंह जी, जिन्हां वल्लों काफ़ी जिहड़ियां वा किताबां लिखी गईआं वा, सिख इतिहासकार भी ने, ते उहनां नाल ही तिंदर सिंह जी भी ने, उहनां नाल भी गल्लबात कर लैंदे। सर, बीते दिनों श्री दरबार साहब के कोल खुदाई की जा रही थी, उस दौरान ही एक सुरंग, कई लोग कह रहे कि सुरंग है, कई कह रहे थे इमारत है। तुसीं सिख विद्वान हो, काफ़ी किताबां तुहाडे लिखियां गईआं, सर्च तुसीं कीती होनी उस जिहड़ा इतिहास जिहड़ा सीगा सुरंग सर्च कीती होगी, सर की इतिहास है उस जिहड़ी इमारत का? ये ना कई मंजिला हवेली है, कई मंजिला ज्ञानियां दा बुंगा है, उतला तोड़ता गया, थड़ा जमीन दे विच है। ठीक है, 1992 सितंबर 1992 मेरे फादर साहब डॉक्टर तलोचन सिंह इत्थे अपनी खोज ली गए सी अपनी किताब दी, पर उन्हां दी डैथ हो जाती है 1993। तो वो किताब जिहड़ी है 1994 छपवाई गई मेरे वल्लों, उहदे विच जो लिखिया है उहदा मैं तुहानूं पहले पढ़ के सुनाना। रीसेंटली अंडर राजीव गांधी रूल द हिस्टोरिक रेजिडेंस ऑफ ज्ञानी संत सिंह एंड भाई गुरमुख सिंह वाज रेस टू द ग्राउंड टू कीप द गोल्डन टैंपल अंडर द शैडो ऑफ गन्स and tanks as long as they can wield power under the pretext of beautifying the holy shrine. The ugliness and injury thus caused is visible to the naked eye. ek kitab de panne 28 te hai, tonu eda short vi le lena. footnote te unna ne fir agge ja ke hor cheez clear kiti. the assassination of Bhai Gurmukh Singh and the loot and plunder of his library is historical well known event of this turbulent period, jehda us waqt da Maharaj Rishi Singh de period da गल करें। रीसेंटली मिस्टर सरदार शंकर रे, राजीव गांधी गवर्नर एंड हैंचमैन इन पंजाब, पेड अबाउट 45,000 रुपीज फॉर द हिस्टोरिकल रेजिडेंस ऑफ यानी संत सिंह टू हिज डिसेंडेंस, एन अमाउंट विच इज इनसफिशियंट इवन टू बाई लैंड ऑन विच इट वॉज बिल्ड। हुण गल क्लीयर हो गई, 45,000 का मुआवजा दिता गया। श्रोमणी कमेटी दसे भी किहड़े किहड़े अपने घर ये अपने मुलाजमान के घर 45,000 के मुआवजे नाल, चलो मैं 1,00,000 रुपया कर दिना, अज देने नूं तैयार है, तो उन्होंने ढुआन तैयार है। द बिल्डिंग वॉज रेज टू द ग्राउंड विद द इश्योरेंस दैट द सराउंडिंग्स ऑफ गोल्डन टैंपल वुड बी ब्यूटीफाइड। द बिल्डिंग अराउंड द गोल्डन टैंपल वर फोर्सिबली एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रॉयड टू कीप द होलीएस्ट ऑफ द होली श्राइन अंडर द शैडो ऑफ द गन्स। द एरिया नाउ लुक्स लाइक सर्टनली ए बॉम्ब्ड रीजन ड्यूरिंग वॉर। Thus, Rajiv Gandhi and Mr. Sardar Singh Rai were added insult to injury and by blue star ravages. हुण मैं पंजाबी जी दस दिना कि यह सारा जिहड़ा काम सी सरकार नाल तां पहले ही मिले हुए सी, उन्होंने सदे दे के माता नूं चिट्ठियां पा के बुलाया भी ऑपरेशन ब्लू स्टार कर लै। संत जरनैल सिंह ने तो भज जाना जदों आया, जदों आर्मी आई संत जरनैल सिंह भज जाऊ, पर वो भज्जिया ना, उन्हें मुकाबला किया। फिर जदों ये सारी डिस्ट्रक्शन हो गई, इन्होंने गवर्नमेंट प्लान के मुताबक ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लैक थंडर तो बाद ये जिहड़ी ब्यूटीफिकेशन का बहाना ला के इसका गलियारा स्कीम बनाई, जिहदे विच इन्होंने सारिया बिल्डिंगा ढोईआं,
ਅਤੇ ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਥੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ 'ਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਸਵਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਤਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਰਕਿਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਰਕਿਓਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਇੱਟ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੰਗ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਈਟੀ ਐਕਸਪਰਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਤਲਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੱਢਣ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਮੈਪ? ਉਹ ਮੈਪ ਛਪਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਸਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਤਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਰ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ, ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਹਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਲਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟਿਕਟਾਂ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਰਹੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮਾਹਰ, ਉਹ ਜੋ ਰਾਮਗੜੀ ਬੁੰਗੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਰਾਮਗੜੀ ਬੁੰਗੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਅਗਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਮਿਲੂਗਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੱਟ ਲਓ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਨੇ, ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਬੁੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗਰਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਈ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆਰਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਇੰਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਚੰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਪ 'ਤੇ?
देखो तस्वीर तो मैप्स तो अपने को काफ़ी ने, मैं तुम्हें कुछ दिखा देना है। जिवें सब तो पहला नक्शा तो आप देख लें है भी 1849 के जदों इन अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा लैन तो बाद पंजाब अमृतसर का जो वर्ल्ड सिटी आ वह इन्होंने सब तो पहला नक्शा बनाया जरा ने बोंगा जो ज्ञानी हाईलाइट किया। जिम्मे से फोटो से देख सकते हो दरबार साहब आ गया, इतने अकाल तख्त साहब दिख रहा, यह थड़ा साहब आ गया, यह बोंगा ज्ञानी आ। तो जो वाला नक्शा हैगा वा जी, यहाँ नक्शा अपने 1849 का नक्शा है जी, 171 साल पुराना। हाँ जी 1849 का नक्शा जी, यह तो ये सारा आप जो हाईलाइट करते हैं इतों व्डा करते हैं तो सारा आ रहा। एक कला बोंगा ज्ञानी ही नहीं, देखो जिम्मे मालवा बोंगा दिख रहा अपना, बोंगा रामगढ़िया दिख रहा है वा, चौंक दरबार साहब आ गया, बोंगा ज्ञानी आ गया। इस तो बाद होर काफ़ी बिल्डिंग जी है सारे कटड़े जो हो गए, मेजोरिटी सब चीज़ें दिख रही ने इतने जी, ये हो गया। इस तो अलावा अपने को कुछ कलर भी है साढ़े को, जिमें हूँ एक आला एरिया आ गया, ये वे मैप थोड़ा जि हाईलाइट किया हो जी। ये रस्ते रस्ता पैंदा है ये बेसिकली जी इन्नी जगह हैगी वाली, इस तो इधर वाली यह बोंगा ज्ञानी आ वा, ये भी ब्रिटिश म्यूजियम के पिया है जी। तो एक ये 2D मैप अवेलेबल है, ये कुछ इस तरीके है वा, ये कलैरिटी इन्नी नहीं है कि थोड़ा जहा बहुत ध्यान देना पैंता है, इस तरीके समझना थोड़ा मुश्किल है। तो एक तुम मैं होर दिखाना जिदे वाला बोंगा बड़ा साफ साफ दिखाया जा रहा है, यही वो मैप थोड़ा तो व्डा करके दिखाने का। जिम्मे अकाल तख्त साहब आ गया, सारे फर्शां तक के डिजाइन बने हुए हैं जी। इतों जो बाहर आने यदियाँ जिम्मे उच्चा सी बोंगा भी दसा जा रहा, डिस्कस हो रहा वा, दिखा रहे हैं ये मंजिल देखो वह दिख रही हैं यदियाँ। ठीक है, इस तरीके सारा सिस्टम सेगा, तो जो भी है इनू प्रिजर्व करना बनता मेरे हिसाब न। डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल थोड़े तो कि सर जी गल करिए बाहर के देशों की, जो उन्होंने इतिहास होंगे वो काफ़ी संभाल के रखते हैं, कोई रेनोवेट करते हैं पर जो पुरानी जो इमारत उस तरह ही रहन देते हैं। पर जो असी अपनी गल करिए चाहे हिंदुस्तान की गल करिए सिख इतिहास की गल करिए, कार सेवा जरूर की जाती है कितना कितने, पर जो उसका पुराना इतिहास है वो सारा बदल दिया जाता, नवी बिल्डिंग तैयार कर दी जाती, इसको किस तरह देखते हो? बेलगाम छड्डेगा ना जी, कार सेवा का एक इंस्टीट्यूशन जो बेलगाम छड्डेगा, यदि हरिमंदर साहब की कार सेवा जो अब्दाली ने ढाया उदों भी तो हुई ना, उदों नहीं कुछ हिलिया क्योंकि वो बंदे कुछ नहीं सी, बल्कि अपने एक सेवा तो अलावा कुछ नहीं सी। तो हुण बेलगाम इस करके हुई है कि रूल कोई नहीं भी, पहला तुसी ये देखो कि आपां जिहड़ा कार सेवा जिस ते करानी है उते कोई पुरातन गुरु छू प्राप्त चीज़ होवे, पुरातन निशानी होवे, आर्टिफैक्ट हो, पुरातन बिल्डिंग होनू आप प्रिजर्व किमें करना है। बाकी जी ब्यूटीफिकेशन करनी, पर ब्यूटीफिकेशन यह जी भी ना हो भी उन प्लाजा बना दिए बार जिमें बनाया गया, ये ब्यूटीफिकेशन नहीं है, ये कमर्शलाइजेशन है, व्यापारीकरण है दरबार साहब का जी। बिल्कुल तुम्हें दस दिए कि बीते दिन श्री हरिमंदर साहब के कोल जोड़ा घर बनाने लिए जी खुदाई की गई थी, जिस तो बाद सुरंग मिली सी, कई लोगों ने उसनू सुरंग का नाम दे दिता गया, कई ने मारता नाम लिता सी, गलबात भी की सिख विद्वानों जिन्होंने कहा कि वो जी जगह सी वो जो बोंगा ज्ञानिया की जी जगह सी इमारत सी जिद जरा पहले ही SGPC वालों जो जम उस जमीन का मुआवजा दे दिता गया, जो उपरला हिस्सा सगा वो जरूर उस वक्त तोड़ दिता गया, पर जो जो अंडरग्राउंड से अंडरग्राउंड भी जगह उही सी, पर जो हम खुदाई की उही जगह जी सामने आ। अभी तुम्हें तस्वीर विखाइया सगा जो ब्रिटिश लाइब्रेरी को मैप सेगा, जो पुराने इतिहासकारा ने जो किताबा लिखिया से उत्थे भी उस जरा जगह का जरा जिक्र किया गया, गलबात भी की थी डॉक्टर अनुराग सिंह जी ते सतविंदर सिंह जी ने गलबात की, उन्होंने कहना यह कि कितना कितने जरा असी अपनी आम इतिहासकार जो पुरानी जगह उसको जरूर रेनोवेट तो जरूर करते हैं, पर उसका जरा पूरा रूप जरा बदल देंगे जिस तरह करके जी आने वाली पीढ़ी है वो जरा वा पुराने इतिहास साढ़े नहीं जा सकती। कैमरामैन जग्गे नाल भरत शर्मा, दिसंबर न्यूज़ लुधियाना। वधेरी जानकारी लई लाइक करो साडे फेसबुक पेज नू ते सबसक्राइब करो यूट्यूब चैनल नू ते इंस्टाग्राम नू फॉलो करना ना भुलियो।